नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। सरकार की सख्त नीतियों के बाद भी छात्रवृत्ति हड़पने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। जहां मेरठ के भवनपुरा थाना क्षेत्र के गांव जेई स्थित मदरसा एनएस जामिया अरेबिक एजुकेशन के लाखों रुपए का गबन हुआ और बच्चों के हक के पैसों को भ्रष्टाचारियों ने डकार लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। छात्रवृत्ति हड़पने के कई मामले सामने आए हैं और ताजा मामला मेरठ से सामने आया, जहां मदरसे के छात्रवृत्ति का कुछ पता नहीं है। वहीं इस मामले में मदरसे के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी सरफराज निवासी ग्राम जेई को जांच में दोषी पाया गया, जिसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद तारिक ने भावनपुर थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मदरसा संचालक पिछले 3 सालों से हड़प रहा था छात्रवृत्ति। नोडल अधिकारी सरफराज पर लगा मिलीभगत का आरोप। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने कराया मुकदमा दर्ज। हाल ही में न्यू मलिनिया निवासी प्रवीण राही ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी। शिकायती पत्र के आधार पर विभागीय जांच शुरू की गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने गांव में मौजूदा लोगों से बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने छात्रवृत्ति न मिलने के बारे में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से भी शिकायत की। बताया जा रहा है कि एक वर्ष में प्रति बच्चे को 5700 रुपए छात्रवृत्ति दी जाती है। शिकायत कर रहे लोगों ने बताया कि मदरसा संचालक उनसे छात्रवृत्ति के नाम पर अंगूठा लगवाते रहे हैं, जबकि उन्हें एक बार भी छात्रवृत्ति नहीं दी गई। इसके साथ साथ कुछ बच्चे अन्य स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि मदरसे का संचालक छात्रवृत्ति हड़पने के लिए दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के नाम भी अपने रजिस्टर में दिखाते हुए छात्रवृत्ति हड़प रहे थे। देखिए, इसमें जो भारत सरकार की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, इसका मैटर था, जिसमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि बच्चों को स्कॉलरशिप उनके खाते में तो पहुंची है, लेकिन उनके द्वारा आहरित नहीं की गई है और मदरसे के लोगों ने ही उसे आहरित किया है। तो करीब 144 बच्चों की के संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही थी, जिसमें से जांच में 50 बच्चे उनके अभिभावक समेत उपस्थित हुए, जबकि पूरे गांव में और आसपास के उसमें भी इसमें एक एक बच्चे को इन्फॉर्म करा दिया गया था, लेकिन अधिकतर बच्चे उपस्थित नहीं हुए। लेकिन 50 बच्चों से जो बात हुई, उनके अभिभावकों से बात हुई, उनके अभिलेख देखे गए, उनकी पासबुक की एंट्रीज और बैंक का रिकॉर्ड देखा गया, तो उसमें ये था कि सभी बच्चों के खाते में पैसा तो गया है, लेकिन इसमें से लगभग 25-26 बच्चे ऐसे मिले जिनके खाते में पैसा जाने के बावजूद उन बच्चों के द्वारा वो पैसा आहरित नहीं किया गया, बल्कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से किसी तरह मदरसे के जो छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी था उसके द्वारा वो पैसा आहरित कर लिया गया। कुछ बच्चे ऐसे भी निकले जिनको ये भी सूचना नहीं थी कि उनका खाता पर्टिकुलर किस बैंक में है। जैसे उनके पास सूचना थी कि उनका खाता यूको बैंक में खुला है, जबकि मदरसा प्रबंधक द्वारा उनका खाता किसी अन्य बैंक में खुलवाया। वो सब कूटरचित अभिलेखों का इस्तेमाल करते हुए मदरसा प्रबंधक द्वारा ये किया गया। इसमें जो मेन गलती पाई गई, वो मदरसे के जो छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी हैं सरफराज, उसके द्वारा ही ये पूरे कार्य को अंजाम दिया गया है और इसी के विरुद्ध, सरफराज के विरुद्ध ही ये छात्रवृत्ति का गबन करने में और गलत तरीके से धनराशि का आहरण करने के संबंध में थाना भावनपुर में FIR दर्ज। वहीं इस मदरसे पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तरफ से शासन को भी रिपोर्ट भेज दी गई है। शासन स्तर पर मदरसे को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। वहीं मदरसा बोर्ड से इसकी मान्यता रद्द कराने के बारे में भी पत्र लिखा जाएगा। वहीं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने अन्य मदरसों संचालकों को भी सुधरने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि अगर अन्य स्थानों से भी ऐसी कोई शिकायत मिली तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 3 वर्षों से इस मदरसे में घपला चल रहा था, फर्जीवाड़ा चल रहा था और बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार फैल रहा था। हालांकि इसकी शिकायत के बाद अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया, मौके पर जाकर जांच की तो घोटाला सामने आ गया। काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिनकी छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी, 5 लाख से अधिक रुपए को ये फर्जीवाड़ा करके खा गए थे, यानी कि बच्चों के निवाले को ये लोग डकार रहे थे। हैरत की बात यह है कि दूसरे स्कूलों के छात्र भी इस स्कूल में उनके नाम दर्ज कराए गए थे, जिससे कि उनकी छात्रवृत्ति ये लोग हड़प सकें। हालांकि इन्होंने एक तरीका निकाला, जो छात्रवृत्ति इनके अकाउंट में आती थी केवल ये लोग उनके अंगूठे ले लेते थे, जिसके बाद ये उस छात्रवृत्ति को डकार जाते थे। लेकिन ये घोटाला पिछले 3 सालों से चल रहा था, लेकिन अब तक भी अधिकारियों की इस पर निगाह आखिर क्यों नहीं पड़ी। हालांकि शिकायत के बाद इस पर कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन जाहिर तौर पर ये माना जा रहा है इस तरह के और मदरसे हैं जो अभी भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। हैरत की बात तो ये भी है, जहाँ ये मदरसा संचालित था वहाँ केवल एक कमरा बताया जा रहा है, केवल एक कमरे के अंदर ये स्कूल जो मदरसा चलता था और बाकी कुछ नहीं है।
जानकार कहते हैं कि लोगों को ये भी नहीं पता कि यहाँ कोई मदरसा संचालित होता है, केवल वो तो अपने बच्चों के नाम दर्ज कराते थे जिसके बाद उनकी छात्रवृत्ति को ये लोग खा जाते थे और पढ़ाई के नाम पर भी यहाँ कुछ नहीं पाया जाता था। हालांकि अब देखना यह भी होगा, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, आगे पुलिस इनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई करती है। मेरठ से मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।